जचती और तेरे आगे मेरी नहीं एक चलती। ये दुनिया वाले निकाले ना कमी, मैं अपने ऊपर ले लूँगी। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ आप सबकी तरह। तो आज का डे है फुल लेजी वाला, मतलब हमें जाना था 5 o'clock अपने सब्सक्राइबर से मिलने, हम उठ ही नहीं पाए, हम सोते ही रहे। तो फाइनली अभी हम उठे हैं, तो अभी शोना गए हैं रेडी होने ताकि हम वहाँ जा पाए ऑन टाइम, और मैं इसके बाद रेडी होऊंगा। अभी मैं भी जा रहा हूँ रेडी होने, तो क्योंकि हमें फटाफट जाना है, हमें उनके लिए कुछ गिफ्ट भी लेना है ताकि शोना उनको गिफ्ट दे पाए। उन्होंने हमें इनवाइट किया है इतने प्यार से, और उन्होंने डेकोरेशन वगैरह भी किया, शोना ने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी लगाई थी, तो हमें अच्छा लगा कि किसी ने हमें इनवाइट किया और हम उनके पास पहली बार हम अपने सब्सक्राइबर से मिलने जा रहे हैं, तो एक अलग सी अजीब सी फीलिंग है। मुझे शोना के चंडीगढ़ और ये अमृतसर वाला जो ट्रिप था, जो उन्होंने सोलो ट्रिप किया था, वो मेरे को सच में बहुत पसंद आया था, दिल से खुद भी पसंद आया था कि हाँ उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया। तो मैं दिल से चाहता हूँ कि वो एक बार इंटरनेशनल भी जाए सोलो, कैसे होता है, अकेले कैसे जाया जाता है, या क्या क्या चीज़ें फेस होती हैं, क्या पता उनको सोलो जाते हुए देखा आप में से कोई मोटिवेट हो जाए या कुछ नॉलेज मिल जाए कि सोलो अगर जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम फेस हो सकती है, या क्या क्या इशू आते हैं, या कितना कितना मजा भी आता है कि सोलो ट्रिप का क्या फन भी है। तो आप उनके चैनल पे जाना, उनको कमेंट्स में डालना कि आप सोलो ट्रिप करो, प्लीज दी सोलो ट्रिप करो। और बाकी अभी मैं रेडी हो जाता हूँ, फिर उनके मेरे को अभी बाल सेट कराने जाना है, पहले बाल सेट करा के फिर मिलता हूँ आपको। सुबह से ही मुझे बता रहे हैं कि आप आ रहे हो। सुबह से यार थोड़ा सा टाइम का आज पता है मेरे को, मैं कम से कम 5 या 6 साल बाद स्कूटी में बैठा हुआ। अच्छा, 6 या 7 साल हो गए मुझे। अच्छा, और बैठा भी तो मैं शायद 1-2 घंटे के लिए बैठा था इससे पहले। अच्छा, ना ही शहर अच्छा लगा स्कूटी में बैठी आपने तो दूर रखने को एक्टिव हो जाता है। क्या हो गया आपको? बस वो फिर सो गाइज, अभी आया हूँ मैं घर, और मैंने आते ही कर लिए कपड़े चेंज। अभी जस्ट 2 मिनट पहले मैं शोना को घर छोड़ के आया हूँ मम्मा के पास, क्योंकि आज काजल घर पे अकेली है, मम्मा और पापा गए हैं ऑफिस के काम से बाहर, दिल्ली से बाहर। तो काजल घर पे अकेली तो उसको डर लगता है, इसलिए शोना उनके साथ रहेंगी, और वूफी उनकी सिक्योरिटी के लिए उनके साथ गया है। मेरे को लग रही है भूख, तो आज खाना हम बनाएंगे। तो आज देखता हूँ कि किचन में क्या है या फ्रिज में क्या है जो मैं टेस्टी सा कुछ बना पाऊँ अपने लिए। वैसे शोना मुझे आइसक्रीम खाने नहीं देती है, तो आज मेरे पास फुल टाइम है कि मैं आइसक्रीम अच्छे से खाऊं। क्या बनाया जाए? कुछ मशरूम बना लिया जाए क्या? तो ना चले गए हैं और कुछ करके आटा बना के गए हैं और राइस। थैंक यू सो मच सोना, ये आपने ये दोनों चीज़ें बता दी, तो मेरे को ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा खाना जल्दी बनाने में। सोच रहा हूँ अपने लिए मटर मशरूम बनाऊँ, या फ्राइड राइस भी बना सकता हूँ मैं अपने लिए। फ्राइड राइस कौन सा ऑप्शन ज़्यादा ठीक रहेगा? फ्राइड राइस ये कि इजी बन जाएंगे, फटाफट काम हो जाएगा मेरा, और मटर मशरूम में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मटर मशरूम बनना, फिर वो राइस के साथ तो खाने में मज़ा आता नहीं है, तो फिर रोटी बनानी पड़ेगी। क्यों गए यार मम्मी के पास? क्या ही बोल सकते हैं यार, उनको जाना भी ज़रूरी था क्योंकि काजल घर पर अकेली है तो वो डरती है। ये घर सूना सूना लागे, ऐसे कुछ है ना कहना, सूना लागे रे तेरे बिन। यार मेरा मन नहीं लग रहा। साहिल दा शेफ, तो अभी मैं शेफ फ्रेम में अच्छे से आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ मेरे को पता नहीं है, क्योंकि शूट मेरे को खुद ही करना पड़ रहा है। और आज मैं बनाने वाला हूँ मटर मशरूम, सुबह ही बनाया था मैंने खाने के लिए, मैं फिर से बनाऊंगा अपने लिए आज। मेरे को खाना बनाना अच्छा, आपको लगता होगा कि खाना बनाना कैसे आता है साहिल को, एक्चुअली क्या है, मेरे को अच्छा लगता है खाना बनाना, और मेरे को मेरी मम्मा ने सिखाया था, हर टाइप का खाना बनाना आता है मुझे, सिर्फ मेरे को नहीं आता आटा भिगोना, उसके अलावा मेरे को ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आती है, खाना बनाना भी आता है, चाट बनाने भी आते हैं, और दो चार चीज़ें और भी आती हैं, मीठा बनाना भी आता है मुझे।
तो अभी हम बनाएंगे मटर मशरूम, बहुत ज्यादा भूख लग रही है। अभी जस्ट सुना का कॉल भी आया था, उनका भी मन नहीं लग रहा है, पर अब गई क्यों फिर, मन नहीं लग रहा था। अच्छा जाना जरूरी था, मेरे को बार बार बोलना पड़ता कि जाना जरूरी था, क्योंकि जरूरी था भी जाना। बहुत ज़्यादा बेसिक तरीके से आता है मेरे को, इतना हाई फाई तरीके से नहीं आता मेरे को। ये कि पहले अनियन चॉप कर लो, फिर इसमें हरी मिर्ची चॉप कर दो, टमाटो चॉप कर दो, मटर डालो, मशरूम डालो, बंद कर दो। और मैं मसाले ज़्यादा खाता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को सिर्फ नमक और हल्दी ही लेनी होती है अपनी सब्जी में। मैं भी नहीं खाता, शोना भी नहीं खाते ज़्यादा मसाले, कि हम हमारे घर में आपको मसाले दिखेंगे नहीं। तो मैं बना लेता हूँ, तो उसके बाद मिलता हूँ आपको। सब्जी हमने बनने के लिए रख दी है, और अभी टाइम है चपाती बनाने का। और एक बात और बोलना चाहता हूँ आप सबको, कि आपको आपको पता है कि जितने बड़े बड़े होटल्स हैं या जितने बड़े बड़े मोटल्स हैं, इनमें सबसे अच्छे शेफ बॉयज क्यों होते हैं, पता है आपको? क्योंकि अब वो मुझे भी नहीं पता, सच बताऊँ क्यों होते हैं, मेरे को इतना पता है, मेरे को कुकिंग करना अच्छा लगता है। मेरे को गोल बनानी नहीं आती, मेरे को बहुत गर्मी लग रही है, पर मैं टेढ़ी मेढ़ी बना लेता हूँ, ऐसे बना लेता हूँ कि पेट भर सकते हैं। अभी मैं बना लेता हूँ, अपने काम कंप्लीट कर लेता हूँ, जब खाने का टाइम आएगा तब मिलता हूँ आपसे। फाइनली मेरे से एक रोटी तो गोल बनी। मेरे को अच्छा लगा गोल रोटी बना के। डिनर रेडी हो गया है मेरा, मुझे लगता है मैंने मटर मशरूम की सब्जी कुछ ज़्यादा ही टेस्टी बना दी, तो मैं अभी खा लेता हूँ और थोड़ा पसीना सुखा लेता हूँ। यार बहुत ज़्यादा गर्मी है, मेरे को लग रहा है कि शोना या अपनी मम्मा या कोई भी लेडी है वो किचन में कैसे काम करती है इतनी गर्मी में, पॉसिबल ही नहीं है। अब मेरे को लगता है आप सबको है ना उनके उनके लिए स्पेशली उनके लिए किचन में एसी लगवा देना चाहिए, मैं भी लगवाने वाला हूँ। अभी मैं खाना खा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आप सबसे। यार लाइट बंद करने के बाद थोड़ा डर सा लगता है, स्पेशली जब तुम घर पे अकेले हो। इट्स टाइम फॉर नेटफ्लिक्स, अभी मैं आइसक्रीम ले लेता हूँ और आज देखेंगे हम नेटफ्लिक्स पे पूरी रात मूवीज। सो गाइस खाना मैंने खा लिया है और मेरे को आरिश आना ही बहुत याद है। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपको कल के व्लॉग में, टिल देन नहीं टिल देन बाय। नहीं यार, कुछ कमेंट्स में मेरे को बताओ ना कि कोई चैलेंजेस बताओ या कुछ डेयर्स बताओ कि मैं क्या करूं, और मिलता हूं आपको कल के ब्लॉग में, टिल देन बाय।